गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे कि टॉप मिथ्स कौन से हैं अगर आपको स्टडी करना है अब्रॉड में। बहुत सारी बार हमें ऐसा लगता है जब हम छोटे बच्चे होते हैं, ट्वेल्थ के बाद जब हम ग्रेजुएशन करने जाते हैं, इवन हम मास्टर्स करने जाते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सही नहीं है। जैसे अब्रॉड स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसके अलावा अरे यार वहाँ पर तो जॉब्स मिलेंगी ही नहीं, या फिर इसके अलावा अरे यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हर कुछ बहुत एक्सपेंसिव है अब्रॉड में। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो सब लोगों के दिमाग में होते हैं, जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। वीडियो जो है वो एंड तक देखना, और आज मैं आपको टॉप लोकेशन बताऊँगी जहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं, और ये लोकेशन सीरियसली काफ़ी कमाल की है, जिसमें आप फ्री एजुकेशन कर सकते हो विदाउट एनी वरिंग अबाउट कि फाइनेंसिस क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको वरी नहीं करना पड़ेगा और आप आराम से अपनी स्टडी अब्रॉड में कर सकते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मिथ। उससे पहले मैं ये बता देती हूँ, मेरा नाम है सुरभि, चैनल का नाम है इंडियन गर्ल इन यूरोप, और इस चैनल पे हम लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं रिलेटेड टू स्टडी इन यूरोप, स्टडी इन जर्मनी, प्लस लाइफस्टाइल इन जर्मनी, और यूरोप में क्या अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जॉब के लिए। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हमने ऑलरेडी पहले जो है बात कर चुके हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लेलिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करें लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अगर हम फर्स्ट मिथ की बात करें तो सबके दिमाग में ये होता है कि अब्रॉड में एजुकेशन बहुत महंगी है। अगर आपके भी दिमाग में ऐसा है तो सबसे पहले कमेंट कर दो, क्योंकि ये मिथ मैं जो है वो तोड़ना चाह रही हूँ आपके लिए। तो हाँ, कुछ कंट्रीज़ जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, जैसे USA हो गया, कैनेडा हो गया, यहाँ पर एजुकेशन एक्चुअली में इंडिया के कंपैरेटिवली तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें तो 25 से 38 लाख जो है वो ट्यूशन फीस होती है USA की, और अगर हम कैनेडा की बात करें तो 17 से 30 लाख जो है ट्यूशन फीस होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। कुछ इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ ट्यूशन फीस है, बट इन दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट अगर आप ये लिस्ट देखो तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है, वो भी इंडियंस या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि ट्यूशन फीस आपको कुछ नहीं देनी पड़ेगी। जहां आप USA में 38 लाख जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, या फिर 30 लाख कैनेडा में स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ इन कंट्रीज़ में आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी, और वो भी कमाल की एजुकेशन। तो आज हम इस कंट्रीज़ के बारे में बात कर लें, जैसे जर्मनी हो गया, मलेशिया हो गया, नॉर्वे हो गया, यूरोपियन और भी बहुत सारे देश हैं यहाँ पर। आज हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट के लिए एक टॉप लोकेशन बनती जा रही है स्टडी के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, स्टडी करते हैं, जॉब्स ढूंढते हैं और यहीं पर सेटल हो जाते हैं। तो हाँ, एक मिथ तो मैंने आपका तोड़ दिया, बाकी मैं आपको और भी बहुत सारी जर्मनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ। जस्ट वन मोर थिंग, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि जर्मनी में जो है वो एजुकेशन फ्री है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, तो यहाँ पर 240 से भी ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि एक या दो यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो प्लीज़ नोट दिस डाउन, और अगर स्टडी करने के लिए आप आना चाहते हैं तो ये लोकेशन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होगी। और आपके जो भी ऐसे लोग हैं जिनको ये मिथ है कि अब्रॉड स्टडी जो है वो एक्सपेंसिव है, उसको ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि आगे बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। तो आज हम जर्मनी को ही एज ए अपना पॉइंट मानते हैं और उसी के बारे में आपके सारे मिथ्स जो हैं वो हटाते हैं। तो सबसे पहली बात हो गई कि ट्यूशन फीस जो कि फ्री है। सेकंड मिथ ये होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स जो है वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नो स्कॉलरशिप, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर वो यहाँ पर आएंगे। नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि जर्मनी में इतनी सारी स्कॉलरशिप है कि अगर आप ब्राउज करोगे तो यू विल बी अमेज्ड टू सी यार, इतनी सारी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं आप लोगों के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एक यंग टैलेंट हो, एक अच्छा टैलेंट हो, तो आपको बहुत ईजली
स्कॉलरशिप मिल सकती है। बहुत कॉमन स्कॉलरशिप है, जैसे डार्ट की वेबसाइट पे बहुत सारी स्कॉलरशिप आप देख लोगे। एरास्मस जो है वो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, हर कुछ कवर करती है, आपकी सारी चीज़ें कवर करती है, यहाँ आने का खर्चा, इवन एक्सपेंसेस जो होते हैं, एकोमोडेशन, ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, वो प्लेलिस्ट चेक करो, और भी वीडियोज स्कॉलरशिप से रिलेटेड आते रहेंगे। तो सेकेंड मिथ जो है वो भी एक मिथ है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जर्मनी में स्कॉलरशिप मिलती है और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, एन नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं, अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन योर कोर्सेज। सो थर्ड मिथ ये है कि आपको लोकल लैंग्वेज बोलना ज़रूरी होती है। ये बात मैं आपको बोलूँगी हाफ करेक्ट है, हाफ नहीं। जैसे जर्मनी की केसेस में पब्लिक यूनिवर्सिटी ऐसी बहुत सारी हैं जो इंग्लिश प्रोग्राम पढ़ाती है और उसके बेसिस पर इंग्लिश जॉब्स आपको मिलती हैं, पर ऐसे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो जर्मन में होते हैं और उसके लिए आपको जर्मन जानना ज़रूरी है। तो ये मिथ भी जो है वो मैं बोलूँगी कि ये बहुत हद तक जो है वो सही नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है आपके दिमाग में तो प्लीज़ इसको भी जो है वो रिमूव कर लीजिए। अदर मिथ ये है कि यहाँ पर जो लिविंग एक्सपेंसेस है लाइक जर्मनी की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इंडिया की कंपेयर करें तो, हाँ, पर लेकिन अगर हम ओवरऑल स्टडी को कैलकुलेट करें तो ये ऑप्शन जो है जर्मनी ऑप्शन बहुत अफोर्डेबल होता है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, जैसे अगर जर्मनी में किसी को पढ़ाई करने आना है तो उन्हें कुछ अमाउंट ब्लॉक करवाना पड़ता है पर ईयर का। पर ईयर का अमाउंट जो होता है वो अराउंड 11,208 यूरोस के लगभग होता है, जो 10 लाख के करीब होता है, जो पूरे साल का ब्लॉक्ड अमाउंट होता है। अब आपको इतना खर्च करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है, आप इससे कम भी खर्च कर सकते हैं और इससे ज़्यादा खर्च करना है तो वो भी कर सकते हैं। पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आप अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं, जैसे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, आप एज ए वर्क स्टूडेंट जो है वो काम कर सकते हैं। तो एक्चुअली में आप इतना अमाउंट जो है वो ब्लॉक करवा रहे हो, पर आपका इन जनरल खर्चा इतना नहीं होता है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। इसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाना चाहती हूँ और एक ऑलरेडी बनाया है जिसकी लिंक जो है वो आपको कैप्शन में मिल जाएगी। तो दिस इज़ ऑल्सो अ मिथ विच इज़ फॉल्स। जो अदर मिथ है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी और हम लोग जो हैं वो वीज़ा ही नहीं पा पाएंगे स्टूडेंट का, जो कि भी गलत है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बेसिकली आपको हेल्प करते हैं विदाउट चार्जिंग एनीथिंग अगर आपको वीज़ा एप्लीकेशन गाइडलाइन जो है वो फॉलो करनी है। तो इसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जैसे फिंटीपा का अगर आप कंपेनियन टूल के अंदर देखोगे तो वीज़ा एप्लीकेशन टूल करके एक गाइडलाइन है जिसमें बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। प्लस कंपेनियन टूल भी एक चेकलिस्ट होगा जिसमें भी आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि यार किस टाइम पे क्या करना है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस या स्टूडेंट वीज़ा मिलना जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, तो नहीं, क्योंकि फिंटीपा जो है वो आपको उनकी ऐप में अगर आप जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप रजिस्टर कर सकते हो और वहाँ पर देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बेसिकली आपके लिए एक गाइडलाइन होगा, एक एप्लीकेशन होगा जो बेसिकली आपको हेल्प कर देगा। तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर फ्री में ही आपको सब कुछ दिख जाएगा। और फिंटीपा से, जो कि मैंने आपको पहले बोला है, आप ब्लॉक्ड अकाउंट भी क्रिएट करवा सकते हैं, जो मैंने आपको बोला था 11,000 कुछ यूरोस का अमाउंट का, उससे आप करवा सकते हैं। प्लस आप फिंटीपा प्लस पैकेज लेके एक तो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस फ्री मिल जाएगा आपको, जो कि भी एक स्टूडेंट वीज़ा के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और अगर आपको कस्टमाइज हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है लाइक प्राइवेट और पब्लिक, तो वो ऑप्शन भी आप अवेल कर सकते हो। तो ये एक कमाल का टूल है, कमाल की चीज़ है। जस्ट गो एंड चेक आउट, मतलब रजिस्टर करो फ्री में कंपेनियन टूल में, वीज़ा एप्लीकेशन टूल देखो, ब्राउज करो, और आपके जो भी मिथ्स हैं अबाउट एप्लीकेशन को लेकर, वीज़ा को लेकर, वो सारे बिल्कुल फॉल्स हैं, तोड़ दो और जल्दी से चेकआउट करो। और लिंक जो है वो फिंटीपा की, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी से रिलेटेड अदर पॉइंट कि ट्रैवल विल गिव मी नो एक्सपीरियंस, नो दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि जब हम, जैसे आप जर्मनी में रहोगे तो आप सारी शेंगेन कंट्रीज़ जो है वो घूम पाओगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, और वो खुद ही में एक काफ़ी ज़्यादा नॉलेज
वैल्यूएबल थिंग है। आप अपने जो स्टूडेंट्स कलीग्स होंगे, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ आप बहुत सारे ट्रैवल करोगे, बजट ट्रैवल प्लान करोगे, घूमोगे फिरोगे, और काफ़ी सारा ट्रैवल एक्सपीरियंस जो आपके पास होगा वो जो है वो मतलब टीवी देख के, मूवीज़ देख के, लोगों के व्लॉग्स देख के उससे बिल्कुल नहीं आएगा जो आप खुद से घूमोगे फिरोगे। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा फॉल्स मिथ है जो कि बिल्कुल ट्रू नहीं है, क्योंकि ट्रैवल जो है वो आपको खुद में ही बहुत सारे एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करता है। अनदर जो मिथ है वो ये है कि लोग ये सोचते हैं कि यार हम पढ़ाई तो कर लेंगे पर हमें जॉब नहीं मिलेगा और हमें विदाउट जॉब जो है वो अपनी कंट्री जो है रिटर्न करना पड़ेगा। ये केस कुछ कंट्रीज़ के केसेस में सही था पहले, कुछ कंट्री के केसेस में अभी भी सही है। जैसे मेरे फ्रेंड ने आफ्टर लाइक ग्रेजुएशन जो है वो यूके से पढ़ाई करी थी और उसको जॉब नहीं मिली थी और उसे वापस जो है वो विदाउट जॉब जो है वो वापस आना पड़ा था। ये बहुत हद तक इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स कर रहे हो। पर जर्मनी जो है वो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करता है, वो ये है कि आपका जब एजुकेशन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद 18 मंथ्स का जो है वो आपको जॉब सर्च वीज़ा देता है जिसमें आप जॉब ढूंढ सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम होता है 18 मंथ्स का, जिसमें आपको मतलब इतना टाइम मिल जाएगा एंड इन सम केसेस उससे भी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो 18 मंथ्स इज़ अ गुड इनफ टाइम जब आप, अगर आपको फॉर इन केस अगर आपको बोल लो कि बहुत हार्ड लक है और आपको जॉब नहीं मिली, तो 18 मंथ्स में आप यहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हो और अपना साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आपको स्टडी रिलेटेड कोई जॉब नहीं मिलती तो 18 मंथ्स में आप ढूंढ के और फिर जॉब करो। तो अगर ये मिथ भी है आपके पास कुछ तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप जॉब ढूंढना चाहोगे तो जर्मनी में बिल्कुल मिल जाएगी। अदर मिथ इज डिफ़िकल्ट टू मेक फ्रेंड्स एंड कल्चर बहुत डिफरेंट होगा, कैसे हम लोग मतलब जेलअप होंगे दूसरे लोगों से, ये भी बहुत फॉल्स मिथ है। क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हो तो मुझे लगता है आप बहुत जल्दी लोगों से जेल हो जाते हो, और अगर आप इंट्रोवर्ट भी होते हो ना तो आपके काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स यहाँ पर बन जाते हैं, क्योंकि सभी का जो है वो सेम ही एक्सपीरियंस रहता है, सब डिफरेंट जगह से आते हैं, सबको फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, फ्रेंड्स बनाने होते हैं, घूमने फिरने के लिए कोई चाहिए होता है, अपनी बातें शेयर करने के लिए कोई चाहिए होता है, तो यहाँ पर ईजिली फ्रेंड्स बन जाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जो लोग यहाँ पर स्टडी करे होते हैं और एज ए स्टूडेंट्स अपना करियर जो है वो आगे बढ़ाते हैं, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे लॉयल फ्रेंड्स होते हैं देन वो लोग जो डायरेक्टली यहाँ पर जॉब करने आते हैं। तो स्टूडेंट्स लाइफ में फ्रेंड्स और कम्युनिटी बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। प्लस अगर आप फिंटीवा से अपना ब्लॉग्ड अकाउंट कराओगे तो आपको एक्सेस मिलेगा फ्रेंड्स कम्युनिटी का, जिसमें आपको काफ़ी सारे फ्रेंड्स उनके जो पर्टिकुलर टूल है या उनकी पर्टिकुलर ऐप है वहीं पर मिल जाएंगे। एक मिथ ये है कि होम सिकनेस जो है वो मेरे को बहुत होगी और मैं ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, जो इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे लेते हैं होम सिकनेस। बट हाँ, जर्मनी में ऐसे काफ़ी सारे रूल आ गए हैं जिससे कि आप अपने फैमिली को भी जो है वो यहाँ पर बुला सकते हैं, प्लस स्पाउस को तो आप यहाँ पर बुला सकते हो, वो जॉब भी कर सकते हैं स्पाउस विदाउट एनी वीज़ा, जो उन्हें वीज़ा मिलता है उसी के बेसिस पर। प्लस अगर आपके पेरेंट्स जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी आप यहाँ पर बुला सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि इट्स 100% ट्रू। हाँ, अगर आपका कोई भी नहीं है और कोई आना नहीं चाहता तो ये अलग केस होगा, लेकिन यहाँ पर आप इजिली 3 महीने के लिए अपने पेरेंट्स को तो बुला ही सकते हो, जो रह सकते हैं आपके साथ पूरा 3 महीने। उसके अलावा अगर आपको लॉन्ग टर्म के वीज़ा के लिए भी अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हो अपने पेरेंट्स के लिए। तो ये मिथ भी अगर आप सोचते हैं तो ये फॉल्स है जर्मनी के केस में। द अदर मिथ इज कि यार बहुत ज़्यादा मुझे एफर्ट्स करने पड़ेंगे बाहर पढ़ाई करने के लिए और इंडिया में तो कितना इजी है, हेल्प मिल जाएगी। हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ यस। ये मिथ भी अगेन मैं बोलूँगी कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, कोर्स ढूंढने पड़ेंगे, मे बी किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आपको स्टडी करने आना पड़ेगा या स्टडी करने आओगे। बट जब आप यहाँ पर आओगे तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा स्टडी का वो इंडिया से बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि इंडिया का स्टडी एनवायरनमेंट बहुत ही डिफरेंट है, यहाँ का स्टडी एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है। टॉप यूनिवर्सिटी हैं जो हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं,
यहाँ पर इंडिया में भी ऐसी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं, तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप वहाँ पर क्या चूज़ कर रहे हो और यहाँ पर क्या चूज़ कर रहे हो। बट एफ़र्ट्स की बात करें तो मे बी हाँ, आपको यहाँ पर थोड़े ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, पर बाद की लाइफ जो है वो ईजी हो जाएगी। वहाँ पर शायद पहले कम एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे और बाद की लाइफ में भी डिफ़िकल्ट, मतलब मैं पूरा नहीं बोलूँगी 100% करेक्ट, बट मे बी। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि यार मुझे एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो येस ऑफकोर्स यू हैव टू। बट मैंने सोचा कि मैं ये वाला पॉइंट भी जो है वो आपसे शेयर करूँ। द अदर वेरी कॉमन मिथ इज़ कि यार जो एम्प्लॉयर है वो ओवरसीज़ के जो भी या इंटरनेशनल जो भी लोग हैं, एक्सपैट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको वैल्यू नहीं करेंगे, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेबर लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, दे मेक श्योर कि चाहे आप कहीं से भी आए हो, इक्वली ट्रीट किए जाए। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि मैं भी जो है वो काम कर रही हूँ। ऑफकोर्स थोड़े कल्चरल डिफरेंसेस होंगे, वर्किंग डिफरेंसेस होंगे, यहाँ का वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, इंडिया का वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, थोड़ा हमारा बिहेवियर डिफरेंट होता है, उनका बिहेवियर डिफरेंट है। ये तो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको देखने मिलेगी जब आप वर्क स्टार्ट करोगे, लेकिन एम्प्लॉयर की तरफ से आपके लिए कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। या एक जर्मन के लिए, मतलब एक जर्मन वर्सेज अगर इंडियन दो एम्प्लॉयज़ खड़े हैं, तो उनके लिए वो दोनों जो हैं वो सेम ही होंगे। और ये बात मेरे से 100% एक कागज़ पे लिखवा के साइन कर लो, बिल्कुल ट्रू है। तो अगर ये भी मिथ है आपके दिमाग में, तो ये एकदम बिल्कुल गलत है। प्लस लेबर लॉज बहुत स्ट्रांग है, और जो भी रूल्स हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, वो सबके लिए जो है वो सेम है, यहाँ के लोगों के लिए वर्सेस दूसरे लोगों के लिए बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। तो उस चीज़ से भी जो है अगर आपके दिमाग में आ रहा है, तो बिल्कुल बोल दो नो, दैट्स नॉट ट्रू। तो ये थे टॉप मिथ्स जो एक स्टूडेंट के दिमाग में होते हैं अगर वो बाहर पढ़ने के लिए आना चाहता है या आना चाहती है, और उसी के कारण वो डिसीज़न नहीं ले पाते कि यार हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बट आज मैंने आपके जो भी मिथ्स होंगे वो क्लियर करे होंगे बहुत सारे। जर्मनी से रिलेटेड मैंने बहुत सारी बातें बताई आपको, क्योंकि जर्मनी में मैं रहती हूँ और मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के लिए ये टॉप लोकेशन होती जा रही है, और आगे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे। तो अगर आपको नहीं पता है, तो ऑफकोर्स अब आपको पता चल गया। और अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं जो भी अब्रॉड पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, तो आप उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हो। फिनटिवा की जो लिंक है वो आपको कैप्शन पे, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, जो कि आप जिससे आप ब्लॉग्ड अकाउंट क्रिएट करवा सकते हो, प्लस कंपेनियन टूल और वीज़ा एप्लीकेशन टूल जिसमें आपको पूरी गाइडलाइन मिल जाएगी, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। वेल, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके कोई मिथ्स हैं जो मैंने नहीं बताए, वेल, मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है, पर फिर भी अगर मैंने नहीं इस वीडियो में कवर करें, तो आप कमेंट कर सकते हो। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी फॉर क्रिएटिंग नेक्स्ट वीडियो, और मैं आपको या तो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे या फिर नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर करूँगी अगर कुछ मिथ्स होंगे, और अगर वो ट्रू मिथ्स होंगे या फॉल्स मिथ होंगे, जो भी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। वेल, जाती हूँ मैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए। थैंक्स, बाय।